अक्सर आपने देखा होगा हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसके भगवान सभी कलेश दूर कर सकते हैं और साथ ही उसके सारे कष्टों को भी हर लेते हैं। आज हम आपको पूजा के मंदिर में, घर के मंदिर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको रखने से धन की कभी कमी नहीं रहती है और साथ ही मनचाहा फल भी मिलता है। आज हम आपको कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताएंगे जिनको आपको अपने घर में रखने के बाद आप काफी ज्यादा मालामाल बन सकते हैं और आपके जीवन के सभी कलेश दूर हो सकते हैं, मनचाहा लाभ भी आपको इससे मिलने लगेगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन से है वो उपाय। पंचामृत को घर की पूजा में जरूर रखा जाता है। ये पांच अमृत का मिश्रण है जो कि दिव्य होता है। इसमें दूध, घी, शहद, दही और गुड़ होता है जो कि बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। माना जाता है यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, साथ ही आपको फायदा भी होने लगेगा। वहीं गरुड़ घंटी को घर में बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुबह की पूजा और शाम की आरती में घंटे या घंटी का बजाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे लाभ भी बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही आपको बता दें चंदन को शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इसे हम लोग मस्तक पर लगाते हैं, इसको करने से भी लाभ प्राप्त होता है। रूली चंदन को पूजा में उपयोग जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद अपने साथ भगवान के आशीर्वाद के रूप में इसको धारण करने से बहुत ज्यादा आपको सुख शांति मिलेगी और लाभ जरूर होगा। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, इससे भगवान काफी ज्यादा खुश होते हैं। धूप आपके मन और मस्तिष्क को शांत करती है और इससे आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक विचार जरूर आते हैं, तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दीपक अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर कर देता है और बहुत सारी उजाले के साथ हमारे जीवन में खुशियां भी भर देता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।